बायोकेमिक के स्टूडेंट थे हैदराबाद के, हैदराबाद के बायोकेमिकल के स्टूडेंट में, जब बायोकेमिकल के स्टूडेंट ने हैदराबाद में अपनी पढ़ाई पूरी करी तो हैदराबाद के मेयर को एक चिंता हुई कि हमारे यहाँ जो सीवर की पाइपलाइन है, वो सीवर की जो पाइपलाइन है बहुत ज़्यादा होती है, उससे मटेरियल जो है वो एवरीडे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मटेरियल को डिसॉल्व करने के लिए उनके पास कोई स्पॉट या कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। आप क्या सोचते हैं कोई क्या कर सकता है? जब ये क्वेश्चन मेयर के दिमाग में खड़ा हुआ कि जो मतलब मैन का बायो प्रोडक्ट है, जो भी मल वगैरह निष्कासित होता है, तो सीवर कनेक्टेड कर दिया, सबके यहाँ के सेप्टिक टैंक हैदराबाद में अलग कर दिए, अब कनेक्टिविटी बना करके सीवर की पाइपलाइन से पूरे हैदराबाद का जो मल है वो एक जगह पर स्टोर होता था, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या दिमाग कोई चलाएगा? तो बायोकेमिकल के स्टूडेंट ने उसमें लिक्विड क्लोरीन डाल करके उस पीले को वाइट कर दिया, और पीले को वाइट करने के बाद उसमें से उसकी स्मेल गायब कर दी। क्लोरीन NaCl, आपने अगर नमक का सूत्र सुना हो तो बंधुओं, मतलब सोडियम अलग होता है, क्लोराइड अलग होती है, NaCl2 ये उसका रासायनिक फॉर्म है। और जहाँ हम रहते थे पहले SGM, वहाँ पे हुकुमचंद जूट मिल एंड इंडस्ट्रीज, और मतलब नमक से क्लोरीन बनाने का प्रोसेस वहीं पे होता था। लिक्विड क्लोरीन होती है, पाउडर फॉर्म में क्लोरीन होती है, गैस फॉर्म में क्लोरीन होती है, और सब अलग अलग चीज़ों में काम आती है। जो बांस के पेड़ होते हैं उसको साफ करने के लिए लिक्विड क्लोरीन काम आती है, जिससे आपका पेपर बनता है और जो बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो वो बायोकेमिकल के जो स्टूडेंट हैं, वो बायोकेमिकल के स्टूडेंट ने पूरे के पूरे जो मल हैदराबाद के बाहर इकट्ठा होता था उसमें क्लोरीन को डाल करके मिक्सअप करके पीले से वाइट कर दिया। फिर जो वो पूरा एक पेस्ट के रूप में था उसको ड्रायर में डाल करके सुखा दिया, उसका पाउडर फार्मिंग कर दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानपुर की गुटखा फैक्ट्रियों में बेच करके, बड़ी बड़ी कंपनियों के गुटखों में पैक होकर के वो मल लोगों को पाउच में अंदर तक खिला दिया। ये ज्ञान के दुरुपयोग का युग है बंधुओं। आपको आश्चर्य होगा, लगता है ना कि हम जिस कंपनी का गुटखा खाते हैं ये तो बहुत फ्रेश है और बढ़िया है, जब आपको पता चले कि बायोकेमिक के स्टूडेंट की इतनी बड़ी करामात है कि उसने पूरे के पूरे मानव के बायो प्रोडक्ट को क्लोरीन डाल करके, उसकी स्मेल हटा करके, और उसको गुटके में मिला करके उसमें फ्रेग्रेंस मिला दिया। फ्रेग्रेंस का कारोबार कितना बड़ा है कभी आप सोच भी नहीं सकते, कुछ नहीं सोच सकते। और आपको तो खुलते ही साथ ही खुशबू आती है, तेज स्मेल। आप किसी भी कंपनी के गुटके को 5 मिनट के लिए एक पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर उसको हाथ से मसल के देखिए, फिर आपको पता चलेगा, जब इसकी स्मेल हट जाएगी फिर उसको खा के देखिए, तब पता चलेगा कि हम अपने मुंह में क्या खाते हैं। उसमें चूना और कांच दोनों मिलाया जाता है, कि कांच से बारीक कांच का पाउडर रहता है जिससे आपकी जबान थोड़ी सी कटती है, और चूना उसके ऊपर लगता है तो आपको थोड़ी सरसराहट सी होती है। इसके चक्कर में आप बार बार माउथ फ्रेशनर के रूप में ऐसे पाउच के प्रोडक्ट खाते हैं। बायोकेमिक के स्टूडेंट ने पूरा का पूरा मानव मल उठा करके पाउचों में पैक करके कानपुर की गुटखा फैक्ट्री में जा करके एक बार ऑब्जर्वेशन तो करिए बंधुओं, तब समझ में आएगा ये गुटखा खाने वाले लोग सुबह सुबह मानव का मल खा करके अपनी जिंदगी शुरुआत करते हैं। ये बायोकेमिक के स्टूडेंट का कमाल है। हड्डियों का ढेर मिलता है, दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 3 शब्द याद रखिएगा, क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये 3 शब्द याद रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के चक्कर में कैसे यूरिया से, साबुन से, शैम्पू से दूध बनाते हैं, कैसे सड़ी हुई चीज़ों से अच्छी पिज़्ज़ा बर्गर बनाते हैं और आपको खिलाते हैं, जो हमारे यहाँ का व्यंजन ही नहीं था वो सब हम आप खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कमाल है।